डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अलग अलग फॉर्म्स जो होती है एनर्जी की, एनर्जी इन फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में मिलती है, सच एज मैकेनिकल, जियो थर्मल, थर्मल, लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी इन सब में मिलती है और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे फर्स्ट है आपकी मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, एक एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की ड्यू टू इट्स मोशन, जिसको हम गति कराते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी काइनेटिक, काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी। एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी जो मोशन की होती है चलने की, वो काइनेटिक एनर्जी, और जो स्टोर करी जाती है स्टेशनरी में वो होती है पोटेंशियल। ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। दिस एनर्जी कैन बी ट्रांसफर टू अदर ऑब्जेक्ट, ये दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करी जा सकती है। स्टेशनरी कार हैज़ पोटेंशियल, लेकिन स्टेशनरी कार में पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन इट इज स्टार्ट रनिंग, जब ये चलना शुरू होती है, इट पॉजेस, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एन ऑब्जेक्ट विच मूव फास्टर हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी दैन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग स्लोअर। एक ऑब्जेक्ट जिसमें तेज़ चलने की एनर्जी होती है, वो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है स्लो चलने वाले से। थर्मल या हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी जो होती है वो सम होता है पोटेंशियल और काइनेटिक का अलग अलग में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, जब एक को गर्म करते हो तो उसको थर्मल एनर्जी चाहिए। इट मेक्स द मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव एंड वाइब्रेट, जिससे मॉलिक्यूल मूव करने लगते हैं, वाइब्रेट। इफ़ मोर एनर्जी सप्लाई, यदि ज़्यादा डाली जाती है तो मॉलिक्यूल्स एक्वायर मोर, तो ज़्यादा उन्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए और वाइब्रेट तेज़ी से करेंगे। टेम्परेचर जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो बताता है कि थर्मल एनर्जी कितना है। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी द एनर्जी, वो एनर्जी है विच इज़ रिलीज, वो तब रिलीज होती है व्हेन टू केमिकल रिएक्ट, जब दो केमिकल रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल द ग्लूकोज इज आर ब्लड रिलीज, ग्लूकोज यानी शुगर हमारा ब्लड रिलीज है। केमिकल एनर्जी व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आर बॉडी यूजेस देयर एनर्जी, तो हमारी बॉडी एनर्जी को यूज़ करती है काम करने के लिए। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि दिखने वाली एनर्जी होती है। लाइट एनर्जी सन के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है प्लांट्स में खाना बनाने के लिए। कुछ अदर सोर्स ऑफ एनर्जी भी होती हैं, जैसे फायर, इलेक्ट्रिक लाइट, टॉर्च लाइट, ये सब। साउंड एनर्जी ये बनाई जाती है फोर्स कॉज वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए और सब्सटेंस के लिए जो वाइब्रेट करता है, और ये ऑब्जेक्ट एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पर साउंड यानी वेव के थ्रू जाती है। इसके बाद देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे विसिल हो गया, डिफरेंट साउंड्स हो गए लिविंग थिंग्स के द्वारा, वो सोर्स होते हैं साउंड एनर्जी के। इलेक्ट्रिक एनर्जी नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं मूव करने के लिए, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं बैटरी में और उसके बाद कार या पावर देते हैं सेल को। और फिर लाइटनिंग इसका एक एग्जाम्पल है। न्यूक्लियर एनर्जी, मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल, मैटर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ये मॉलिक्यूल एटम कहलाते हैं। इनके सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है, जब वो टूटता है या ज्वाइन करता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी कुछ किरणों में निकलती है, इसलिए इसे रेडिएशन बोलते हैं। ड्यूरिंग रेडिएशन, रेडिएशन में देयर इज़ पावरफुल स्प्रेडिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा में पावरफुल वो निकलती है हीट, लाइट, साउंड, इन सब में। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस लो कास्ट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत ही लो वाली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इट ऑल्सो हेल्प, ये हेल्प करती है डॉक्टर को इंटरनल पार्ट को एग्जामिन करने के लिए, सबमेराइन को ढूंढने के लिए। इट प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है जो बनाती है, विच इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, जो बहुत डेंजरस है लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए। सालों साल पहले वो भी ये इसी एनर्जी के थ्रू निकलता है। अब लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का मीन्स यह है कि एनर्जी कभी बनाई नहीं जाती या ख़राब नहीं करी जाती, उसे सिर्फ एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म करा जाता है। जैसे हाइड्रोमीटर एनर्जी है, उसको आप करोगे इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक को कर लोगे आप लाइट में या साउंड में या हीट में, तो उसको आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। अब हम लोग आपकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। देखिए बेटा, रबर बैंड जो होता है एक पोजीशन से रिलीज हो जाता है, वो क्यों होता है, इलास्टिक फोर्स की वजह से, है ना। और एक जिसका एक एज बहुत शार्प होता है, दूसरा बैंड वो होता है वेज का। कौन सी चीज़ें शॉर्ट टाइम में दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं, रेन्यूबल वाली। और कौन सी एनर्जी है जो विजिबल लाइट से हमें दिख सकती है, लाइट। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक एग्जाम्पल क्या है, लाइटनिंग। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एन ऑब्जेक्ट टू ड्रॉप
किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराने में। बॉयंट फोर्स कैसा रिएक्ट करता है सब पर, ज़्यादातर ये पानी में लगता है, क्योंकि जब भी कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हैं तो आपने देखा होगा काफ़ी हद तक वो ऑब्जेक्ट जो है अपने प्रेशर से पानी बाहर निकालता है। तो ये वो वाला जो फोर्स होता है वो बॉयंट होता है। फर्कुलम जब बीच में होता है लोड एफर्ट के, वो कौन सा लेवल होता है, फर्स्ट लेवल होता है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। फिर दिस टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है रेडिएशन में, तो ये कौन सी वाली एनर्जी होती है, न्यूक्लियर में। फॉसिल फॉयल किसका हुआ है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का। बेटा क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में कर नेक्स्ट नेक्स्ट टर्न पर कराऊंगी। थैंक यू।